Hello everyone, we have an update to share. There is a big news for the students who are pursuing their graduation. Itne din se question uth rahe hain, kab honge exams and exams honge to kaun se year ke students ke honge. Abhi hame ek video mili hai jisme Ramesh Pokhriyal ji ne ye bataya ki final year wale students ke exams honge ya nahi. आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, हमने ओरिजिनल वीडियो भी अटैच करी है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। रमेश पोखरियाल जी ने कुछ दिन पहले अनाउंस करा था कि CBSE के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे 1st to 15th July के बीच में। एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कॉलेज स्टूडेंट के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो रेड जोन में हैं एंड वो अभी उभर नहीं पाए हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में 50% प्रीवियस ईयर्स के मार्क्स के बेसिस पर एंड 50% इस ईयर के इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर। इन दोनों को मिलाकर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। बट फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स का क्या? उन्होंने कहा है कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। आप वीडियो देख सकते हैं, NDTV ने अपलोड करी है एंड हमने इस वीडियो के एंड में लगाई है वो क्लिप ताकि ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन ना हो। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, बट आप खुद देख सकते हैं, अगर रमेश पोखरियाल जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा गया होगा। सो आई विल सजेस्ट ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कि आप इस उम्मीद में मत रहना कि आपको कोई प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोगों के एग्जाम्स लेने की पूरी तैयारी करी जा रही है, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन। एंड किस्मत हो तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के जैसे, यू नेवर नो कब नोटिस आ जाए और कह दिया जाए कि दोनों ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। खैर आप ये वीडियो देख लो। उच्च शिक्षा में भी यही किया है कि जो बच्चे पहले वर्ष में हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के स्तर पर किया जाएगा। जहां परीक्षा नहीं देने की स्थिति है, जो विशेष ऐसे स्थिति में हैं जहाँ वो उभर नहीं पाई हूँ और अभी भी वो रेड जोन में हैं और परीक्षा देने की स्थिति में नहीं, उनके लिए कुछ सुविधाएं दी हैं कि वो जो पहले वर्ष का यदि पहले सेमेस्टर का बच्चा होगा तो उसको वो अपने आंतरिक मूल्यांकन पर ही वो परीक्षा देगा। और दूसरे तीसरे का होगा अंतिम वर्ष के तो हम परीक्षा कराएंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे का जो पहले वर्ष में उसका जो उसका परीक्षा परिणाम है उसका मूल्यांकन 50% और जो इस वर्तमान वर्ष का है उसके आंतरिक मूल्यांकन 50%, इन दोनों का जो औसत निकलेगा उसका रिजल्ट हम लोग घोषित करेंगे। तो ये थी वो वीडियो जो NDTV ने पोस्ट करी अपने अकाउंट पर इंटरव्यू लेते हुए। सो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। हम वही इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं जिसका हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स हो, एंड ये NDTV ऑफिशियल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करी है। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोग तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आप हमें DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हमारी ID है literarynerds_, और आप हमें मेल भी कर सकते हो nerdsliterary@gmail.com पर। We will reply you within 24 hours. So stay home, stay safe and stay connected. Thank you and take care.